नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों मुंबई इंडियंस टीम पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाने के बाद से टीम लगातार हार का सामना कर रही है। आज हम इस वीडियो में इस पूरे विवाद पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 से पहले रोहित शर्मा को दिल्ली कैपिटल्स को बेचना चाहता था। बदले में वे डेविड वार्नर को टीम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन 2023 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई की योजनाओं को बदल दिया। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार 10 मैच जीते और रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट के एक सच्चे योद्धा है। हर मैच के बाद उनके लिए सपोर्ट बढ़ता गया। टीम की परफॉर्मेंस के साथ रोहित के खेलने के तरीके ने भी खूब तारीफें कमाई। फैंस रोहित के लिए इकट्ठा होने लगे और ऐसे में मुंबई की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो रोहित को टीम से अलग कर पाए। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पंड्या को टीम का नया कप्तान बनाया। रोहित शर्मा को टीम में रहने दिया गया, लेकिन उनकी कप्तानी छीन ली गई। हार्दिक ने टीम में रोहित की जगह ले ली। इस बात से फैंस बहुत गुस्सा हुए। अभी तक हार्दिक को भला बुरा कहा जा रहा है, हर स्टेडियम में उन्हें को ट्रोल किया जा रहा है। हार्दिक पंड्या की कप्तानी में टीम ने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच हार चुकी है। पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 6 रन से हराया और दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 31 रन से हराया। इस मैच के दौरान भी हार्दिक की खूब ट्रोलिंग हुई। अब टीम मुंबई अपने घर में पहला मैच खेलने के लिए तैयार है। 1 अप्रैल को वो वानखेड़े में राजस्थान का सामना करेंगे। ये रोहित का घरेलू मैदान भी है। देखने वाली बात होगी कि जनता यहाँ रोहित के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब ये देखना होगा कि रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस में क्या भविष्य है, क्या वे टीम में रहेंगे या किसी दूसरी टीम में जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या से जुड़ा विवाद। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।